पुलिस ने गेटवे के जरिए कॉल ट्रांसफर कर विदेशों में बात कराने वाले दो मिनी एक्सचेंज संचालकों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से सऊदी अरब और हिंदुस्तान के 125 मोबाइल सिम कार्ड, दो मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, वीडियो कैमरा आदि बरामद कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने गेटवे के जरिए विदेशों में कॉल कराए जाने से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा होने का भी अंदेशा जताया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी है कि सेक्शन के जरिए किन किन देशों में कॉल कराई जाती थी। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये हैं बुलंदशहर के ही रहने वाले वसीम और आरिफ, जिन पर VOI कॉल को गेटवे के जरिए ट्रांसफर कर विदेशों में कॉल कराकर देश को आर्थिक क्षति पहुंचाने और देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा किए जाने की आशंका का आरोप है। पुलिस की माने तो वसीम और आरिफ अपने ही घर से इस मनी एक्सचेंज ऑपरेटिंग मशीन के माध्यम से एक मिनी टेलीफोन एक्सचेंज चलाते थे और लोगों को विदेशों में कॉल करा के मोटी रकम अर्जित करते थे। देखिए, चेक कोतवाली नगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और इनसे एक सिम बॉक्स बरामद किया गया, जिस बॉक्स के माध्यम से VOIP कॉल को अनधिकृत रूप से अनधिकृत गेटवे पे से पास करके, जो लोकल गेटवे है, इंडिया का गेटवे है, उसको बाईपास करके सस्ती दरों पर विदेशों से कॉल कराई जा रही थी। इससे एक तरफ तो देश के राजस्व का नुकसान हो रहा था और दूसरी तरफ देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी काफ़ी बड़ा खतरा है, क्योंकि जब गेटवे क्रॉस हो जाता है तो उसकी CDRs वगैरह हमें नहीं मिल पाती है और कॉल्स के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। पुलिस की माने तो गेटवे के जरिए ट्रांसफर कर विदेशों में की जाने वाली कॉल को ट्रेस नहीं किया जा सकता, जिसका प्रयोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा सकता है। इन दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इससे ढेर सारी मात्रा में सिम कार्ड, कुछ लैपटॉप्स बरामद किए गए हैं और इनसे विस्तृत पूछताछ की गई है और इसमें एक जो अभियुक्त है, जो एक अभियुक्त का भाई है, वो फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए है और इसमें विस्तृत पूछताछ अभी जारी है। इसमें हमने जो हमारे BSNL के अधिकारीगण हैं, टेक्निकल सर्विसेज के अधिकारी हैं, उनसे भी सहयोग प्राप्त किया गया और इस पूरे गंभीर घटना को क्रैक किया गया, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता था। पुलिस वसीम और आरिफ से पूछताछ कर इनके नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। एक अभियुक्त जो है वो सऊदी अरब में रह रहा था और सऊदी अरब से ही बेसिकली ज़्यादा कॉल कराई जा रही थी और ये 2017 से इस तरह की घटना में बीच बीच में गैप करके लगातार कर रहे थे। विस्तृत पूछताछ बाकी चीज़ों के बारे में की जा रही है। जो सिम कार्ड्स मिले हैं वो ज़्यादातर सऊदी अरब के और लोकल सिम कार्ड भी बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं जी। VOIP कॉल होने के चलते और गेटवे क्रॉस कर गेटवे बाईपास करने के चलते वो कॉल स्ट्रेस नहीं हो पाती हैं और सस्ती कॉल पड़ती है, क्योंकि उससे जो राजस्व संबंधित कंपनियों को देना पड़ता है वो राजस्व नहीं देना पड़ता है और इससे देश की सुरक्षा और देखिए विस्तृत पूछताछ की जा रही है और जानकारी इकट्ठी की जा रही है। अभी तक की पूछताछ में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जानकारी आगे की नहीं। अभियुक्त है, फरार है और अभियुक्त है और उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी, पकड़ा जाएगा, शीघ्र उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। नहीं, अभी तक तो पाकिस्तान बात कराने की बात प्रकाश में नहीं आई है, सऊदी अरब से बात कराने की बात प्रकाश में आई है और विस्तृत पूछताछ में ये तथ्य और संदेह है, लेकिन इससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी उसके बाद ही। बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से टाइम सिटी न्यूज के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट।